देखो टॉपिक हमारा ये है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स, और बाइनरी कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ना है आज? आज हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। बेटा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड हमने पढ़ना है। अच्छा तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कौन बनाता है? बेटा कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं उनके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड होते हैं ये हाइड्राइड। इनका जनरल फॉर्मूला होता है AbH4। AbH4। अच्छा ए की वैलेंसी 1 होगी, बी की वैलेंसी +3 होगी और हाइड्रोजन होगी -1। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो बेटा यहाँ पे ए की वैलेंसी क्या होगी? 1। ए यूनिवेलेंट होगा और जो बी होगा वो ट्राइवेलेंट होगा। और हाइड्रोजन कितनी होंगी इसके अंदर? 4 होंगी, मगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 होगा। तो जनरल फॉर्मूला इनका AbH4 है। अच्छा तो कौन बनाता है? The hydrides of group first A, बेटा group first के hydride and hydride of group third A और हाइड्राइड्स किसके? ग्रुप थर्ड, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्राइड और थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड कंबाइन। कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। बेटा ग्रुप फर्स्ट वाले और थर्ड वाले कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप फर्स्ट वाले और थर्ड वाले जब कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं। दे हैव जनरल फार्मूला AbH4। बेटा जनरल फार्मूला क्या होगा? AbH4 होगा। अब A क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप का मेटल होगा, B होगा थर्ड ग्रुप का और उसके साथ 4 हाइड्रोजन होती है AbH4। तो A फर्स्ट ग्रुप का, B थर्ड ग्रुप का, 4 हाइड्रोजन होती है। दे कंटेन थ्री टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। इनके अंदर 3 किस्म के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। बॉन्ड बेटा आयनिक बॉन्ड भी होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं इनके तीनों के इनके अंदर। अच्छा ये किस तरह बनते हैं देखो। अच्छा लिथियम हाइड्राइड ये फर्स्ट एक है, BH3 ये थर्ड ग्रुप है। तो याद करो बेटा थर्ड ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्लास खत्म नहीं की बात जी। हाँ अब देखो ग्रुप फर्स्ट वाले बेटा, जो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं ये के और ये थर्ड के,
तो याद करो बेटा, ग्रुप थर्ड वाले जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन, ये स्टेबल नहीं होते इनके बाइनरी कंपाउंड सिवाय बोरान के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसको देखें, बोरान के आकृषि में तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन ही हाइड्रोजन से शेयर करेगा, तो एक बांड, दूसरा बांड, तीसरा बांड, और बोरान के आकृषि में इलेक्ट्रॉन हो गए छह, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो आठ इलेक्ट्रॉन के पूरे नहीं हुए, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो बेटा बोरान एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। ग्रुप थर्ड वाले जो है उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। इनमें अभी कोलिन है, ये जो बांड है ये कोलिन है, मगर अपने शेल को पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेट कोलिन बांड बनाएगी। तो ये फर्स्ट ग्रुप हाइड्राइड और ये थर्ड ग्रुप हाइड्राइड, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। पहले आएगा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट एलआई, पहले फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आएगा, फिर आएगा थर्ड ग्रुप का बोरान, और उसके बाद चार हाइड्रोजन। अब देखो BH3 में कोवेलेंट बांड है, इसके अंदर बांड कोवेलेंट है। अच्छा ये बांड बनाता है किसके साथ? H नेगेटिव के साथ, और H नेगेटिव किसमें मौजूद है? लिथियम हाइड्राइड में। बेटा देखो BH3 में कोवेलेंट बांड, ये बांड बनाएगा H के साथ, और बनाएगा BH4। तो बांड बिटवीन BH3 एंड H नेगेटिव इज कोऑर्डिनेट कोलिन। ये बेटा कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है, इसका मतलब BH4 में दो बांड मौजूद है, कोलिन भी है और कोऑर्डिनेट कोलिन बांड भी है। और कोऑर्डिनेट कोलिन बांड किसके दरमियान बना है? BH3 और H नेगेटिव के दरमियान। अच्छा अब जो लिथियम के साथ बांड बनेगा, लिथियम और BH4 नेगेटिव का जो बांड बनेगा, और बन जाएगा Li BH4, ये आयनिक बांड होगा। अब है आयनिक बांड, ये कौन सा बांड बनाए? आयनिक बांड किसके दरमियान आयनिक बांड बना? लिथियम आयन, ये केटाइन और ये एनाइन। बेटा इन दोनों के बीच में कौन सा बांड बनेगा? अब जो बांड बना है वो आयनिक बांड है, आयनिक बांड बिटवीन आयनिक बांड बिटवीन एलआई एंड BH4 नेगेटिव, इनके दरमियान। बेटा ये नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एलआई और BH4 नेगेटिव के दरमियान जो बांड बना है, ये कौन सा बांड है? आयनिक बांड। इसलिए तीनों बांड मौजूद हो गए इसमें। BH3 में कोलिन बांड है, BH3 H नेगेटिव के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट कोलिन बांड, बन गया BH4 नेगेटिव। अब लिथियम आयन और BH4 नेगेटिव के दरमियान जो बांड बनेगा वो आयनिक होगा, तो इसमें तीनों बांड मौजूद होंगे, इसके अंदर बांड तीनों मौजूद होंगे, आयनिक बांड भी है, कोलिन बांड भी है और कोऑर्डिनेट कोलिन बांड भी है। एक और एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्राइड और प्लस AlH3 अब देखो NaH और AlH3 इनके दरमियान बांड बनेगा, बनेगा NaAlH4, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड।
ये बन गया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बन गया। तो बेटा ये फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप हाइड्राइड मिलकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं जिनमें तीनों किस्म के बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बेटा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होते हैं हीट से। बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट से स्टेबल होते हैं। दे आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। कैसे देखो एल्डिहाइड जब उनको हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ एल आई ए एल एच फोर के साथ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल के अंदर। बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कन्वर्ट किसमें करेगा एल्डिहाइड को अल्कोहल के अंदर। बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि एल आई ए एल एच फोर रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कीटोन को एल आई ए एल एच फोर किसमें तब्दील हो गया बेटा कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। कीटोन किसमें तब्दील हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड और जब उसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है और वाटर बन जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन कहां से आएगी, ये हाइड्रोजन आएगी इन कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट से क्योंकि हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। अच्छा दे रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। जब उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये गैस कौन सी खारिज करेंगे हाइड्रोजन गैस। देखो एन ए एल एच फोर जब उसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का फॉर्मूला है एच ओ एच। तो सोडियम मिलेगा किसके साथ, सोडियम मिलेगा ओ एच के साथ, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम किसके साथ मिलेगा, एल्यूमिनियम भी मिलेगा ओ एच के साथ, बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये जो एच निगेटिव है किसके साथ मिलेगी, जो निगेटिव
एच एन चार है ये बनेगी एच एन पास टू के साथ और चार मोल हाइड्रोजन गैस की बनेगी। देखो चार मोल जो नेगेटिव आयन के हैं हाइड्राइड के ये किसके साथ मिलेंगे, चार मोल पॉजिटिव आयन के साथ प्लस के साथ चार मोल हाइड्रोजन गैस के बन जाएंगे। तो ये इनका बेटा रिएक्शन थे। अब आते हैं नंबर फोर पे, मेटलिक हाइड्राइड्स या इनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अच्छा तो बेटा कौन बनाता है ट्रांजिशन मेटल, निकल, प्लैटिनियम, पैलेडियम फॉर्म मेटलिक हाइड्राइड्स। बेटा ट्रांजिशन जो मेटल है निकल प्लैटिनियम पैलेडियम ये बनाते हैं मेटलिक हाइड्राइड्स। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हाइड्रोजन जो थी वो ऑक्यूपाई करती है या हाइड्रोजन पेनिट्रेट करके उनके मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर चली जाएगी। बेटा जो हाइड्रोजन होगी वो पेनिट्रेट करके मेटल का जो स्ट्रक्चर उसके अंदर चली जाती है और एम्प्टी स्पेस को जाकर ऑक्यूपाई करती है, जो वेकेंट स्पेस है उसको जाकर ऑक्यूपाई करेगी हाइड्रोजन इन मेटल्स के अंदर। तो इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हाइड्रोजन पेनिट्रेट इन देयर मेटलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन जो थी वो पेनिट्रेट करके जाती है उनके मेटलिक स्ट्रक्चर में एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस या एम्प्टी स्पेस एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स उसको ऑक्यूपाई करती है। देखो हाइड्रोजन किसको ऑक्यूपाई करेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस को या एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स एंड बियर नो स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला। बेटा कोई स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला नहीं होगा, अच्छा देखो इनका कोई फार्मूला बनेगा ही नहीं, इन हाइड्रेट्स का कोई फार्मूला ही नहीं होता, समझे इनकी फिजिकल कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन जो होती है फिजिकली कंबाइन हो जाती है, हाइड्रोजन जो होती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, अगर एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा तो उसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन जाएगी, अगर एम्प्टी स्पेस कम है तो कम हाइड्रोजन जाएगी, इसलिए निकल प्लैटिनम और पैलेडियम को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। बेटा निकल को प्लैटिनम को और पैलेडियम को किस में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में, ताकि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इनका कोई फार्मूला भी नहीं होता, ठीक है, इनको कहते हैं
नॉन स्टॉइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स, मतलब नॉन स्टॉइकोमेट्रिक हो गए ये, इनका कोई पर्टिकुलर फार्मूला ही नहीं बनेगा। एग्जाम्पल टी आई एच 1.73, बेटा ये देखो टाइटेनियम बना रहा है हाइड्राइड, जिसका क्या लिखा हुआ है फार्मूला टी आई एच 1.73, 1.73 देखो रेशो होल नंबर में नहीं है, इसका मतलब है टाइटेनियम जो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुआ है, केमिकली कंबाइन नहीं हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुई है। दीज हाइड्राइड्स आर यूज एज ए कैटलिस्ट इनको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। बेटा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर एज ए कैटलिस्ट यूज होंगे। अब देखो वेजिटेबल ऑयल अनसेचुरेटेड है, बेटा जो वेजिटेबल ऑयल है ये अनसेचुरेटेड है, जब इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल प्लाटिनियम या पैलेडियम, ये कैटलिस्ट हैं। बेटा वेजिटेबल ऑयल है अनसेचुरेटेड है, जब उसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल प्लाटिनियम या पैलेडियम की मौजूदगी में तो बन जाएगा वेजिटेबल घी। जो सेचुरेटेड है तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, तो अनसेचुरेटेड केस में तब्दील होगा बेटा सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड केस में तब्दील होगा सेचुरेटेड में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या अल्कीन को अल्केन में तब्दील करने के लिए भी हम निकल प्लाटिनियम या पैलेडियम को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छा अब आते हैं नंबर फाइव, बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अच्छा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कौन से हैं, बीई एच टू एन एम जी एच टू एन द एलिमेंट्स आ ग्रुप सेकंड ए गैलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है गैलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म लॉन्ग चेन ये बनाते क्या है बेटा बेलियम मैग्नीशियम फॉर्म लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। विथ हाइड्रोजन तो बेटा बेलियम और मैग्नीशियम में क्या होता है लॉन्ग चेन्स बनते हैं हाइड्राइड्स, और लॉन्ग चेन हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, जिसमें मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स,
अब देखो बी ई ये चाहिए, या दूसरा बेलियम हाइड्राइड है, इनमें बेटा बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा अब क्या होगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये देखो लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल्स बन गए, लॉन्गेस्ट चेन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि बेलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, बेलियम और बेलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बेलियम के अंदर बॉन्ड कोवेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट होता है। बी ई एच टू इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इनमें बॉन्डिंग कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है, अच्छा इस तरह मैग्नीशियम भी यही बनाता है बेटा, मैग्नीशियम भी लॉन्गेस्ट चेन बनाता है, देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट, आयनिक और कोवेलेंट के दरमियानी प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये हाइड्राइड्स बेलियम और मैग्नीशियम। अब आते हैं बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, अच्छा बेटा बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स कौन बनाता है, जो डी ब्लॉक के बॉर्डर पे होते हैं, जहां पे डी ब्लॉक खत्म हो रहा है, सेकंड बी, सेकंड बी समझिए बॉर्डर है इसका डी का, डी ब्लॉक खत्म हो रहा है, तो द एलिमेंट्स अ ग्रुप फर्स्ट बी, बेटा ग्रुप फर्स्ट बी वाले, ग्रुप फर्स्ट बी वाले, ग्रुप सेकंड बी, अच्छा फर्स्ट बी में कौन कौन आता है देखो, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, बेटा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट बी कॉइनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड, एंड ग्रुप सेकंड बी जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, एंड फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए, एंड फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए, इंडियम एंड थेलियम, बेटा कुछ एलिमेंट्स ग्रुप थर्ड के हैं उसमें इंडियम भी आ जाता है थेलियम भी आ जाता है, फॉर्म बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, अच्छा देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, देयर प्रॉपर्टीज
आर इंटरमीडिएट, बिटन की जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं बिटवीन मेटलिक लाजमी बताए डिब्ला को मेटल है तो मेटलिक एंड कोएलेंट मेटलिक और कोएलेंट के दरमियान की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं बेटा, मेटलिक और कोएलेंट के दरमियान ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। एग्जांपल इनकी क्या है, ZnH2 CuH2 बेटा ये इनकी एग्जांपल है, TlH3 होगा यहाँ पे लिखा हुआ H2, मगर जो थर्ड ग्रुप वाले टेलीरियम थर्ड ग्रुप है इसकी वैलेंसी 3 होती है तो TlH3। तो ये एग्जांपल है किसकी बेटा, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स की। अब आते हैं आइसोटोप्स पे, आइसोटोप्स बेटा जो आइसोटोप्स का टर्म है देखो, आइसोटोप्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बेटा ये क्या होंगे, एटम्स किसके होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, देखो बेटा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के हैविंग सेम एटमिक नंबर, जिनका एटमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर चेंज होगा, एटमिक नंबर सेम होगा मास नंबर डिफरेंट होगा, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। दूसरी डेफिनेशन है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एटम्स हैं बेटा सेम एलिमेंट के हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, इन देयर न्यूक्लियाई उनके न्यूक्लियाई में जो उनका न्यूक्लियाई है उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद तो सेम है जब न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके स्पेशल नाम है, वैसे किसी आइसोटोप्स के स्पेशल नाम नहीं है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के स्पेशल नेम है, उनमें एक आता है प्रोटियम, यह 1H1, दूसरा ड्यूटेरियम 1H2, तीसरा ट्राइट्रियम 1H3, इसको टी भी लिखा जाता है,
इसको डी भी लिखा जाता है ड्यूटेरियम को। तो अब ये हो गया कि टाइम हो गया कंप्लीट, ठीक है इंशाल्लाह बाकी ये जो डिटेल होगा इसका हम पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम अब कंप्लीट हो गया है, दूसरा टीचर आ रहा है आ गया है। तो कल इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक रिमेनिंग होगा वो जो नया शेड्यूल जो भी होगा उसके मुताबिक आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है।